अर्जुन रामपाल बॉलीवुड के हैंडसम और डैशिंग एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। करियर के शुरुआत में लगातार दो फिल्म फ्लॉप देने के बाद भी रुके नहीं, बल्कि अपना लोहा मनवा के रहे। आज के समय में बेशक उनकी फिल्में कम आती हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं आखिर अर्जुन रामपाल ने कैसे स्ट्रगल किया और अब कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप अर्जुन रामपाल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का रियल नेम अर्जुन रामपाल है और निक नेम AR है। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 50 साल के हैं। अर्जुन रामपाल प्रोफेशन से एक एक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनालिटी है। दोस्तों, जब अर्जुन रामपाल छोटे थे तब इनके पेरेंट्स अलग हो गए, जिसके बाद अर्जुन अपनी माँ के साथ रहने लगे और ST पैट्रिक स्कूल में पढ़ने लगे, जहाँ पर उनकी माँ टीचर थी। और फिर बाद में अर्जुन रामपाल ने कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल तमिलनाडु से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की और फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली से BA इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। अब बात करते हैं अर्जुन रामपाल के करियर के बारे में। दोस्तों, अर्जुन रामपाल ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2001 में की। इन्होंने फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और इस फिल्म में काम करके अर्जुन रामपाल ने ऑडियंस का सारा अटेंशन अपने ओर कर लिया और इस फिल्म की वजह से अर्जुन रामपाल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए नॉमिनेट भी हुए। और 2001 में ही अर्जुन रामपाल की दूसरी फिल्म दीवानापन रिलीज हुई, जिसमें इनके साथ दिया मिर्जा थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। और साथ ही साथ 2001 में इनकी फिल्म मोक्षा भी आई और ये भी फ्लॉप साबित हुई। लगातार दो फिल्म फ्लॉप होने के बाद अर्जुन रामपाल ने 2002 में फिल्म आंखें में काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पंचोली थे और ये फिल्म 2002 की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बन गई। और 2002 में ही अर्जुन रामपाल फिल्म दिल है तुम्हारा में काम किया, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। जिसके बाद 2003 में ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म दिल का रिश्ता में दिखे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया और इसी साल फिल्म तहजीब में नजर आए, जिसके बाद 2005 में अर्जुन रामपाल लगातार 4 फिल्म में नजर आए, जिनके नाम है वादा, ऐलान, यकीन और एक अजनबी। और ऐसे ही 2006 में 5 फिल्में करी, जिनमें से कुछ हिट रही तो वहीं कुछ फ्लॉप भी हुई। और 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में नजर आए, जिसके बाद 2008 में अर्जुन रामपाल ने फिल्म रॉक ऑन में काम किया और इस फिल्म में काम करने की वजह से अर्जुन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। और 2008 में ही अर्जुन रामपाल ने स्टार प्लस के रियलिटी शो नच बलिए 4 को जज किया और ऐसे ही अर्जुन ने कई शो को जज किया है। इसके बाद अर्जुन रामपाल ने एक से एक फिल्में करी, जिनमें से कुछ हिट रही और कुछ फ्लॉप भी रही। और उनमें से कुछ फिल्मों के नाम है हाउसफुल, राजनीति रास्कल्स, रावण, हीरोइन, चक्रव्यूह, डी-डे, सत्याग्रह, रॉय, रॉक ऑन 2 और डैडी। और 2018 में अर्जुन रामपाल फिल्म पलटन में नजर आए और 2019 में वेब सीरीज द फाइनल कॉल में काम किया, जिसके बाद 2021 में G5 की फिल्म नेल पॉलिश में काम किया और इसी साल इनकी एक और फिल्म द रेपिस्ट आई, जिसके बाद 2022 में वुड के वेब सीरीज लंडन फाइल्स में नजर आए। और 2022 में ही कंगना के साथ फिल्म धाकड़ में दिखे और अर्जुन रामपाल की 3 और फिल्में आने वाली है, जिनमें से एक तेलुगु फिल्म है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अर्जुन रामपाल की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। चलिए मिलवाते हैं आपको अर्जुन रामपाल की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है अमरजीत रामपाल और इनकी मां का नाम है जीवन रामपाल, जो कि 2018 में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। और इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है कोमल। बात करें इनकी वाइफ के बारे में तो दोस्तों, 1998 में इन्होंने मॉडल मेहर जैसिया से शादी की, लेकिन 2019 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। और इनकी वाइफ मेहर से इनकी 2 बेटी भी है, जिनका नाम है महिका और मायरा। फिलहाल 2018 से अर्जुन रामपाल गैब्रिएला को डेट कर रहे हैं और 2019 में अर्जुन ने अनाउंस किया कि उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जिसके बाद जुलाई 2019 में उनका एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने एरिक रामपाल रखा। अब बात करते हैं अर्जुन रामपाल के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, अर्जुन रामपाल का मुंबई में 2 घर हैं। पहला डुप्लेक्स अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई में है, जहां पर वो रहते हैं और ये दिखने में काफी सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दूसरा घर फार्म हाउस है कारजट मुंबई में, जिसमें सुंदर सा स्विमिंग पूल भी है और हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। और इस फार्म हाउस में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के साथ जाते रहते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन रामपाल के कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इनके कार कलेक्शन में पहली कार है टोयोटो कोरोला, जिसकी कीमत है 17 लाख रुपीज, और दूसरी कार इनके पास है लैंड रोवर रेंज रोवर, जिसकी कीमत है 65 लाख रुपीज।
और तीसरी कार इनके पास है BMW X5 जिसकी कीमत है 90 लाख रुपीज। और चौथी कार इनके पास है BMW 7 सीरीज जिसकी कीमत है 1.42 करोड़ रुपीज। और फिफ्थ कार इनके पास है पोर्शे कैयन जिसकी कीमत है 1.45 करोड़ रुपीज। और लास्ट कार इनके पास है मर्सिडीज मैकलेरन SLR जिसकी कीमत है दोस्तों 3 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं अर्जुन रामपाल के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्जुन रामपाल एक फिल्म में काम करने के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और ज्यादातर इनकी इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है और ब्रांड को एंडोर्स करके ये लाखों रुपए कमा लेते हैं। वहीं बात करें अर्जुन रामपाल के नेटवर्क के बारे में, तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्क है 116 करोड़ रुपए। तो ये थी अर्जुन रामपाल की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।